देखिए, हम रोड भी जाम करेंगे। रिवर के पानी के कारण ना पूरी गली में जितने भी मकान है सब मकानों में दरार आनी शुरू हो गई है, क्योंकि 24 घंटे अगर जिस गली में पानी खड़ा रहेगा ना उस मकानों का तो मंडाधार होना है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, मैं वीडियो भी डालता रहता हूँ, हर जगह रिक्वेस्ट भी करी है भाई इस शिविर का जो पानी है इसका समाधान किया जाए, लेकिन आज तक नगर निगम का कोई कर्मचारी कोई अधिकारी या हमारे जो जनप्रतिनिधि है, कोई पार्षद है कोई एमएलए है कोई एमपी है, किसी ने भी नगर निगम में जाके ये किसी अफसर को फोन नहीं किया, किसी कर्मचारी को नहीं कहा। अभी सरस्वती इंक्लेव में राधा स्वामी के सामने जो पिछले कुछ महीनों से लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं उनका कोई समाधान किया जाए। शिविर का पानी का 2 बूंद पानी बरसात पड़ गई तो पूरी की पूरी गली 5-5 फुट पानी खड़ा हो जाता है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है, गाड़ियां चलती हैं, हर आदमी के पास तो गाड़ी है नहीं कि रोड तक अपने गाड़ी से चला जाएगा, पैदल जाने वाले हमें पता कैसे जाते हैं बेचारे। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, सभी हमने कलोनी के लोग खड़े हुए हैं, सभी खड़े हमने मीटिंग की है, तो भाई इस समस्या का समाधान निकाला जाए किस तरह। नहीं, हमारे समाज के गौतम जी ने सभी अधिकारियों को फोन करके सभी अधिकारियों को मेल करके विगत 1.5 साल से लगातार शिकायत दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। गौतम जी आप बताएं किस किस अधिकारी से आपने बातचीत करी और क्या उन लोगों ने कहा आपसे? देखो, एक कॉलोनी के लिए लास्ट 2 साल से जो सीवर की समस्या जब सामने आया ज़्यादातर पे, तो मैं सीए मुंडो लगाया, सीए मुंडो का कई बार झूठा रिप्लाई आया, काम हुआ ही नहीं है। अभी जो नया एक्शन साहब आए हैं वो एक्टिव है, वो प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन उससे हो नहीं पा रहा है। मैं कई दिनों से उनको कंटिन्यूअस कॉल कर रहा हूँ, व्हाट्सएप मैसेज डालता हूँ, रिप्लाई तो आता है लेकिन रिप्लाई झूठा साबित ही होता है। तो आज तो पानी नहीं है इस जगह पे, लेकिन कल की स्थिति यहाँ पे 3 फुट पानी था, जब मैं यहाँ पे आया देखा बड़ा दुख लगा, ये बच्चे किस तरह से स्कूल बैग लेके इस रोड से गुजर रहा है, स्कूल बैग लेके गिर जाता है, फिर स्कूल बैग को उठा के फिर स्कूल चलते हैं, मतलब ये भयंकर स्थिति है। ये गुरुग्राम मिलेनियम सिटी का नाम पे जाना जाता है, वर्ल्ड क्लास सिटी है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे लोग रहते हैं ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं गुजारिश करूँगा सीएम ऑफिस को और गुरुग्राम कमिश्नर को, जिस तरह से निचली स्तर का जो अधिकारी है जेई ऐसा है कि यदि हमारा गली यदि हमारी गली अगर चुनाव तक ठीक नहीं होती है तो पूरा सरस्वती इनक्लेव विशेषकर डी ब्लॉक ई ब्लॉक एफ ब्लॉक जी ब्लॉक एच ब्लॉक चुनाव का बहिष्कार करेंगे, पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। हमारे बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमारी पढ़ाई हमारा भोजन हमारा सब्जी का लाना दुभर हो गया है, इतनी गंदा पानी इतनी गंदगी है कि चारों तरफ डेंगू मलेरिया कई बीमारियां हैं। पूरी तरीके से ये नकारा सरकार का दोष है, नगर निगम का दोष है, और हम घूम घूम कर जग जागरण करेंगे, जो लोगों को जगाएंगे कि अगर गली नहीं शिवर नहीं तो हम वोट नहीं देंगे, हम नोटा पर बटन दबाएंगे, नोटा पर बटन दबाएंगे, लेकिन हमारे गली में कोई इंटरव्यू नहीं कर पाएगा, कोई वोट मांगने आएगा हम उसका विरोध करेंगे। सुबह 8 बजे उठते हैं ना तो गंगा जी के दर्शन होते हैं, गंगा वाली गंदा वाली गंगा जी के जो है घर से निकलना दुर्लभ हो गया है, ऐसा लग रहा है कॉलोनी को छोड़ के चले जाए, अगर समस्या नहीं उठा हुआ तो आगे मामला बढ़ता जाएगा। ये है राधा स्वामी के सामने वाली गली सरस्वती इनक्लेव, जी ब्लॉक एफ ब्लॉक ई ब्लॉक डी ब्लॉक, बिल्कुल नरकीय स्थिति है, और ऐसा लगता है कि अगर कोई बाहर से हमारा अतिथि आए तो शर्मिंदा होना पड़ता है उसे घर में बुलाने के लिए। दिन रात 3 से 4 फीट पानी यहाँ रहती है, शिवर का इतना बुरा हाल है जिसकी चर्चा नहीं किया जा सकता है, ऐसा लगता है कि यहाँ इंसान नहीं कीड़े मकोड़े रहते हैं। हमें यह कहने में शर्म लगता है
कि हम स्वच्छ गुरुग्राम में रहते हैं, ये निश्चित रूप से कूड़ा ग्राम का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां इंसान नहीं कीड़े मकोड़े रहते हो और नगर निगम को इसका कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और पिछले 2 साल से अब तो ऐसा लग रहा है कि हम इस गली को छोड़कर कहीं गांव में चले जाएं, कहीं ऐसे जगह चले जाएं जहां जंगल हो, लेकिन इस नरक वाली स्थिति में रहना अब बर्दाश्त से बाहर की बात है।